नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट जानकारी देंगे कि आपकी ट्रेन की कौन सी कोच कहाँ पे रुकेगी स्टेशन पे, ठीक है, आपकी स्टेशन पे आप कैसे जानेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे तो लाइट के द्वारा लाइट लगाया होता है, वहाँ पे लिखा होता है कि S9 S2 जनरल और AC ये सब के बारे में, सब कोच के बारे में मतलब कि लिखा हुआ रहता है, तो लोग वहाँ पे जाकर के तो खड़े हो जाते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे रेलवे स्टेशन इस तरह से है जहाँ पे इस तरह के व्यवस्था भी नहीं है, लाइट के द्वारा नहीं बताया जाता है कि कौन सी कोच कहाँ पे रुकेगी। इसलिए बहुत सारे लोगों को परेशानी होता है कि दौड़ भाग करते हैं ट्रेन को आने के, जब आती है तो दौड़ भाग करते हैं कि मेरा कोच तो वहाँ पर है, ढूंढते रहते हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी समय आपका वेस्ट होता है और काफ़ी परेशानी भी होती है। इसका हम जुगाड़ आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आप कैसे जानेंगे कि कोच का पोजीशन, आप ट्रेन का मतलब कि पोजीशन आप कैसे देख पाएंगे कि कौन सा कोच आपको कहाँ रहेगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले करूँगा छोटा सा रिक्वेस्ट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को निशान को दबाइए ताकि इस तरह का अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलता रहे। चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। मात्र एक एप्लीकेशन के द्वारा सारा कुछ आप कोच का पोजीशन कोई भी ट्रेनों को आप देख पाएंगे, जान पाएंगे कि आपके स्टेशन पे वो ट्रेन का कोच का पोजीशन किस तरह से होगा, ठीक है। आपको ट्रेन में एप्लीकेशन का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस पर आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेनी है। करने के बाद आपको लॉगिन करके यहाँ पे कुछ इस तरह से नीचे आना है और यहाँ पे देखेंगे कि ट्रेन इन्फॉर्मेशन सर्विस का एक सेक्शन है, इस पर आपको कोच लेआउट लिखा हुआ है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे और अपना ट्रेन का नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे जिस ट्रेन के बारे में आपको जानकारी लेना है कि उसका कोच का पोजीशन किस तरह से होगा, ठीक है। तो चलिए हम एक ट्रेन का आपको दिखा रहे हैं, ट्रेन का नंबर यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे देखेंगे 11447 में डाला हूँ, शक्तिपुंज एक्सप्रेस यहाँ पर बता रहा है। इस पर हम टाइप कर देंगे। अब ये हमें जबलपुर से ट्रेन खुल रही है तो जबलपुर का ये पोजीशन मुझे बता रहा है, ठीक है, कि इंजन रहेगा, इंजन के बाद यहाँ पे फर्स्ट में SLR नाम से रहेगा, इसके बाद सेकंड में GS रहेगा, थर्ड में भी आपको GS लिख करके रहेगा और आपको चार नंबर पे ये S1 रहेगा और पाँच में भी S2 रहेगा, सिक्स में S3, इस तरह से इसका पोजीशन बता रहा है जबलपुर का। अब मान लीजिए जबलपुर से तो ये ट्रेन खुल रही है, इसका बारे में मुझे बता दिया जबलपुर में इस तरह से रहेगा। अब इस बीच में हम किसी दूसरे स्टेशन पे, मान लीजिए कि हमको इसी ट्रेन में यात्रा करना है, बैठना है किसी दूसरे स्टेशन पे, हम तो चलिए हम मान लीजिए कि गढ़वा रोड, इसका टोटल स्टेशन बता देगा कि कहाँ कहाँ इसका स्टॉपेज है, ठीक है। तो आपको जो भी स्टेशन से आपको यात्रा करनी हो इस ट्रेन में, उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर गढ़वा रोड से मुझे मान लीजिए सफ़र करनी है, यहाँ पे हम गढ़वा रोड का यह पोजीशन यहाँ पे देखेंगे कि बदल चुका है, ठीक है, यहाँ पे S2 था, यहाँ पे AC का आ चुका है। अब गढ़वा रोड पे हमारा इस तरह से इस ट्रेन का मतलब कि पोजीशन होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट में रहेगा इंजन के बाद यहाँ पे फर्स्ट में SLR नाम से रहेगा, इसके बाद सेकेंड में GS लिखा हुआ रहेगा कोच पे, और थर्ड में आपको GS ही रहेगा, फोर्थ में HA1 नाम के रहेगा कोच, फाइव में HA नाम के, इसके बाद सिक्स में B3, सेवन में B2, एट में B1, नाइन नंबर में S9 और टेन में S8, यहाँ पे कोच का पोजीशन बदल चुका है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से देखेंगे आप, फिर से लास्ट में GS 8 है और 2 और इसके बाद SLR। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से ट्रेन के बारे में आप जान सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि जहाँ भी आपको मान लीजिए कि S9 में है टिकट, ठीक है, तो आप इसके बाद में आप खड़ा रहिए अंदाजा पे अपना कि इतने कोच इसके बाद हमारा ये कोच है, इसलिए आप आसानी से अपना जान पाएंगे कि किस तरह से कोच का पोजीशन है, इसलिए आपको काफ़ी ये बेहतर होगी। और यहाँ पे सीट का भी पोजीशन आपको बता करके रखा है, ठीक है, कि सीट का पोजीशन भी आप देख सकते हैं कि कितने नंबर सीट आएगा, तो आपको कहाँ पर रहेगा, साइड लोअर, ऊपर लोअर, सारा कुछ यहाँ पर केबिन। मान लीजिए कि यहाँ पे S9 में आपको देखना है, S9 में आपका सीट है, ठीक है, तो S9 पे आप क्लिक कीजिए, अब S9 का यहाँ पे पूरा पोजीशन जो है वो दिखा देगा, ठीक है। AC में B3 में है आपका, तो B3 का यहाँ पे सीट का यहाँ पे पोजीशन साइड में यहाँ पे दिखा देगा। साइड लोवर आपको मान, साइड लोवर छप
5663 सब जो भी यहाँ पे है साइड लोवर आएगा, और इस कलर और यहाँ पे साइड ऊपर के लिए यहाँ पे लिखा गया है कलर बाई कलर। यहाँ पे 62 नंबर यहाँ पे देख रहे होंगे, 62 नंबर रहेगा तो ऊपर का रहेगा, 62, 59, 54, 51 कलर में आपको सारा कुछ लिखा हुआ है, इसलिए आप अपना सीट के बारे में भी आप जानकारी ले पाएंगे। आशा करता हूँ गाइस साथ आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इस्तेमाल कीजिए। काफ़ी इस एप्लीकेशन में फीचर्स भी दिए गए हैं जिससे आपको काफ़ी ट्रेन में सफ़र करने में काफ़ी मतलब कि सहूलियत होगी, और लेकिन इस एप्लीकेशन में थोड़ा ऐड ज़्यादा आता है तो इसमें थोड़ा परेशानी आपको हो सकती है। मिलेंगे नई जानकारी के साथ आपका दिन।